हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरु जी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है, प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देख रहे हैं हमारे पास एक आकृति दी हुई है, इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और भी प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमारे पास ये मिसिंग नंबर चैप्टर से लिया गया, यहाँ पर तीन आकृति दी गई है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा हम लोगों को यही बताना है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 86 है दोस्तों, जिसने पार्ट नंबर 87 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए पहला प्रश्न हम लोगों के सामने है, मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा कीजिए। एक क्वेश्चन है कि श्रृंखला को पूरा करना है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, इनके स्थान पर क्या आएगा यही हम लोगों को बताना है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले जूम करके हम लिखते हैं, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है 49 लिखा है, उसके बाद में क्या लिखा है 64 लिखा है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लिखा है, उसके बाद में यहाँ पर 100 लिखा है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है 121 लिखा है। तो मेरे प्यारे बंधु यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है। जो यहाँ पर 49 लिखा है ना मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है 49 जो है इस 7 का स्क्वायर होता है। अच्छा यहाँ पर जो 64 है ये क्या है, ये 8 का स्क्वायर 64 होता है, हम सभी कोई जानते हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ जो 100 लिखा है ये 10 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्त। अच्छा जो 121 लिखा हुआ ये 11 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 7 का स्क्वायर, अगली बार 8 का स्क्वायर, फिर अगली बार 10 का स्क्वायर, अगली बार 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा ना 7 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर, तभी जाकर एक सीरीज बनेगा 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 9 का स्क्वायर आना चाहिए। 9 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 81 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों 81 होगा। और 81 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार 534 का रिलेशन 645 के साथ में है, वही रिलेशन 381 के क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो यहाँ देखेंगे कि हम यहाँ जो 534 लिखा है इनका यूज करके, जो 534 का यूज करके हम लोग 645 कैसे लिख सकते हैं, उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर 3 और नीचे लिखने दीजिए, ताकि ऊपर हमें दिख नहीं रहा अच्छा से। जैसे यहाँ पर 534 लिखा है, क्या लिखा है 534 लिखा है ना, इनका जो यूज है वो 645 के साथ में है। उसी प्रकार यहाँ पर 381 का संबंध किनसे होगा हम लोगों को बस यही बात बताना है। तो मेरे प्यारे बंधु यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या लॉजिक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, 5 से 6 बना है, यहाँ पर 5 में +1 करेंगे तो 6 बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे कि 3 से 4 बना है, यहाँ भी +1 हो रहा है मेरे प्यारे साथियों। अब देखो 4 से 5 बना है, यहाँ भी +1, सारे नंबर में +1 करके लिख दिया गया है, समझ रहे हैं। उसी प्रकार इस 3 में भी +1 हम लोग कर देंगे, 3 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ 8 है, इसमें +1 कर देंगे, 8 में +1 कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 में +1 कर देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर 1 लिखा है, 1 में +1 करेंगे तो कितना बनेगा 2 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 492, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बढ़िया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब की याद करें। मेरे प्यारे बंधु हम सभी आपको एक ट्रिक बताते हैं कि देखो जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, और जो चीज दर्पण से जितना दूर होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। तो इसका अच्छा एक कंसेप्ट और है, दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल होता है क्या कि दायां चेंज हो जाता है बायां में, और बायां चेंज हो जाता है दायां में, ऊपर और नीचे सेम रहता है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों वो इस प्रकार से बनेगा, ऐसा तो बनेगा, ऐसा बाल्टी रहेगा, ऐसा बाल्टी रहेगा, इसमें जो फूल है ना यहाँ पर देखो ये जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार ऐसे तिरछे बनेगा, ठीक है। और तीन पत्तियाँ इधर होगी, दाहिने बगल इधर कितना होगी तीन पत्तियाँ होगी, और इधर होगी दो पत्तियाँ, ऐसे इधर दो पत्ती होगी उधर तीन पत्ती होगी। ये तो नीचे ये उल्टा तो बन ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए गलत, उल्टा बन ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी गलत। बचा हमारे पास बी और डी। अब देखो हमने क्या बोला, इधर दो पत्ती है ना, तो यहाँ पर आकृति में पहले दो पत्ती दिखेगी, यहाँ पर पहले तीन पत्ती दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन डी गलत। बचा क्या, ऑप्शन बी बचा, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अगर किसी भी दोस्त को थोड़ा सी भी दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में ना, कमेंट करके अपने भैया से जरूर पूछेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में वृत्तों की संख्या बताइए, दिए गए चित्र में वृत्तों की संख्या बताइए। देखो वृत्त काउंट करने के कोई ट्रिक नहीं होता है, ठीक है, इसमें अपने कॉमन सेंस से वृत्त को काउंट किया जाता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो ये 12 वाला ये सर्किल दिया हुआ है इसमें टोटल वृत्त काउंट कर लो कितना है, इसमें टोटल वृत्त काउंट कर लो कितना है, इस जो 12 वाला सर्किल हमने घेरा है इसमें टोटल वृत्त कितना है इसको तुम काउंट कर लो। तो देखो एक ई 12 वाला, एक दो, देखो हम काउंट कर रहे हैं, एक दो तीन चार, चार गो तो ई बना, एक गो ई पाँच, आ एगो भीतर वाला छः, आ एगो 12, इसमें कितना वृत्त बना, इसमें 7 वृत्त बना। अच्छा अब तुम काउंट कर लो मेरे प्यारे साथियों, इसमें ई 12 वाला सर्किल में तुम काउंट कर लो। अब देखो ई 12 वाला सर्किल में जो काउंट हो गया उसको तो काउंट नहीं करेंगे, जो बचा है उसी को काउंट किया जाएगा। देखो एक आ एक ई दो आ एक तीन आ एगो हई चार एगो छोटा का पाँच आ एगो 12 वाला कितना, इसमें कितना त्रिभुज बना मेरे प्यारे साथियों, इसमें 6 वृत्त बना, इसमें 6 वृत्त बना। अब देखो इस वाले में कितना बनेगा, इस वाले में, इस वाले में देखो कितना बनेगा, तो इसमें देखो एक दो तीन एगो ई चार एगो ई पाँच आ एगो ई छोटका छः, इसमें भी कितना बना, इसमें बना 6। अब इन सबको ऐड कर दो, 7 आ 6 आ 6 कितना बनेगा, 7 6 13, 13 आ 6 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से काउंट करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, 7 गो 6 गो 13 गो, 13 गो 6 गो कितना 19, 19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। वृत्त किसी भी दो आकृति को मिलाकर वृत्त नहीं बनता है, जो आकृति दिख रहा है ना वही आकृति उतना ही वृत्त होता है। तो इसमें टोटल कितना वृत्त है मेरे प्यारे साथियों, 19 वृत्त है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही लजेबाब क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, यानी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर वह अग्रसर है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है, वर्तमान में व्यक्ति की किस दिशा में है। मेरे दोस्त हमको आपको सबसे पहले डायरेक्शन बनाकर यहाँ पर हम समझाते हैं। देखो जब भी पेपर पे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं, कैसे ध्यान से देखेंगे। देखो ऊपर में हमेशा उत्तर होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, नीचे में हमेशा दक्षिण होता है, दाहिने बगल में हमेशा पूर्व होता है, और बाएं बगल में हमेशा मेरे प्यारे साथियों पश्चिम होता है,
बहुत बढ़िया, ये हमारे कितना, ये चार मुख्य दिशाएं हो गई। अच्छा, उत्तर और पूर्व के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, दक्षिण और पूर्व के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनता है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनता है, उत्तर पश्चिम के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी किन्हीं भी दो दिशाओं के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। और चार हमारे उपदिशा भी होती है, कौन कौन, चार उपदिशा भी होती है, उसे भी हम बनाते हैं, कौन कौन, ध्यान से देखेंगे, चार उपदिशाएं होती है, कौन कौन यहाँ पर हम बनाते हैं मेरे प्यारे बंधु, ध्यान से देखेंगे, उत्तर और पूर्व वाले जो बीच की दिशा है ना, उसे बोला जाता है उत्तर और पूर्व, बहुत बढ़िया, दक्षिण और पूर्व वाले बीच को दिशा को दक्षिण पूर्व बोला जाता है, दक्षिण पश्चिम बीच वाले दिशा को दक्षिण और पश्चिम बोला जाता है, ये बात को समझिएगा आप लोग, ठीक है ना, बढ़िया है ना। और उत्तर और पश्चिम के बीच वाले दिशा को उत्तर और पश्चिम बोला जाता है। अब देखो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर, कि देखो यहाँ पर देखो, उत्तर पूर्व और उत्तर के बीच में जो कोण बनेगा ये 45 डिग्री, इसमें भी 45 डिग्री, आई दोनों को मिला देंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, बहुत बढ़िया। अब तुम इस क्वेश्चन को बनाओ, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, उत्तर पश्चिम किधर है, उत्तर पश्चिम इस साइड में है ना, उत्तर पश्चिम इस साइड में है, एक व्यक्ति इस साइड में खड़ा है, बहुत बढ़िया, इस दिशा में वह व्यक्ति खड़ा है, अग्रसर यानी आगे बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, घड़ी जिस प्रकार चलता है, घड़ी चलता है बाएं से दाहिने की तरफ, तो उसी प्रकार बाएं से दाहिने तरफ वह 90 डिग्री मुड़ेगा, तो यहां से जब वह 90 डिग्री मुड़ कर जाएगा तो जानते हैं कहां जाएगा, वो चला जाएगा उत्तर और पूर्व के बीच में, यहां पर आ जाएगा उत्तर और पूर्व वाले बीच में। अब क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, 135 डिग्री का मतलब होता है पहले 90 डिग्री फिर 45 डिग्री, तब जाके 135 डिग्री बन जाएगा, घड़ी के उल्टे दिशा में घूमना है, तो यहाँ से यहाँ आएगा पहले 90 डिग्री और फिर 45 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बताइए ये कौन सी दिशा है भाई, ये पश्चिम दिशा में वह व्यक्ति अभिन्न आ गया है, हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है वर्तमान में व्यक्ति कौन सा दिशा में है, तो भाई वर्तमान में वह पश्चिम दिशा में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पश्चिम, यही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर आप हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात करें। यहाँ पर देखेंगे चार विकल्प दिया गया है, इसमें से तीन किसी न किसी प्रकार से सेम होगा, एक अलग होगा, यही हम लोगों को बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखेंगे, y से x बना है, y का स्थान 25, x का 24 माइनस वन, x से w बना है माइनस वन, बहुत बढ़िया, l से k बना है माइनस वन, k से j बना है माइनस वन हुआ है, M से N हुआ है प्लस वन, N से O हुआ है प्लस वन हो रहा है, R से Q हो रहा है माइनस वन, माइनस वन, और Q से P हो रहा है माइनस वन। तो मेरे प्यारे साथी हम सारे ऑप्शन में देख रहे हैं, पहला लेटर में माइनस वन करने के बाद दूसरा मिल जा रहा है, दूसरा में माइनस वन करने के बाद तीसरा मिल जा रहा है, जबकि ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा बात नहीं है, इसमें प्लस वन करने के बाद मिल जा रहा है, तो इसमें प्लस वन है इसीलिए ऑप्शन डी बाकियों से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 12 ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मेरे प्यारे बंधु ये चारों ऑप्शन में से वह ऑप्शन कौन सा है जो इसका यूज करके नहीं बनाया जा सकता, बार बार हम उसको जांच करेंगे, देखेंगे। जैसे यहाँ ऑप्शन ए में क्या है, सी और ए, ऊपर में सी लेटर है, बिल्कुल है ऊपर में, मेरे प्यारे साथी ऊपर जो वर्ड लिखा है इसमें कहीं भी ए लेटर का यूज नहीं है, और ऑप्शन ए में ए लेटर का यूज कर दिया, इसलिए यही नहीं बन सकता, क्योंकि मूल शब्द में कहीं भी ए लेटर का यूज नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में ए कहाँ से आ सकता है, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही, यही नहीं बनाया जा सकता। 12 सारा, बाकी का सारे ऑप्शन बनाया जा सकता है, तुम चेक भी कर सकते हो, जैसे एन ई जी
ऊपर में एन है, ई है, जी है, बहुत बढ़िया। उससे उसके बाद एल ई सी टी, एल है, ई है, उसके बाद सी है, उसके बाद टी है, इसका मतलब इसको तो बना सकते हैं। यहाँ पर है जी ई एन टी एल ई, जी ई एन है, उसके बाद टी, टी भी है, उसके बाद एल भी है, उसके बाद ई भी है, इसको भी बना सकते हैं। यहाँ पर आई एन सी डबल टी है क्या मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर डबल टी है, नहीं नहीं टी नहीं है, आई एन सी आई टी ई है। यहाँ देखो आई है, बिल्कुल आई लेटर है यहाँ पर, उसके बाद एन है, बिल्कुल है, सी है, बिल्कुल है, फिर से आई है, बिल्कुल यहाँ पर आई है, उसके बाद टी है, बिल्कुल यहाँ पर टी है, उसके बाद ई है, ई है, बिल्कुल। तो सारा बना सकते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए हम नहीं बना सकते। का है तो ऑप्शन नंबर ए में ए लेटर का यूज कर दिया गया है, जबकि मूल शब्द में ए लेटर उपस्थित नहीं है, इसीलिए। ठीक है, बढ़िया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। अच्छा, जिस भाई ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करेंगे, और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देख रहे हैं हम, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, इनके स्थान पर क्या आएगा हम लोगों को बस यही बताना है। तो मेरे प्यारे बंधु ध्यान से सुनेंगे, यहाँ देखेंगे सात और पाँच का यूज करके छः कैसे बन सकता है। आकृति नंबर एक में देखेंगे सात और पाँच है, उसको यूज करके छः बनाना है। तो आकृति नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, सात है ना, सात में पाँच को जोड़ देंगे, ठीक है, और इसको आधा कर देंगे। तो सात और पाँच कितना हो जाएगा, बारह। और बारह को दो से हम आधा करेंगे, दो से भाग करेंगे, कितना बनेगा, छः बनेगा। ऑलरेडी यहाँ पर छः दिया हुआ है, इसका मतलब इलॉजिक तो सही है। उसी प्रकार आकृति नंबर दो में हम देखेंगे, यहाँ पर क्या है, पाँच और इक्कीस का यूज करके तेरह बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, पाँच आप प्लस कर देंगे हम लोग इक्कीस, बहुत बढ़िया, आप भागा दो कर देंगे। तो 21 में 5 को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 26। 26 को 2 से भाग करेंगे, बिल्कुल 13 बन जाएगा। ऑलरेडी 13 यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब यही लॉजिक इसमें भी लग जाएगा। तो यहाँ देखेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, 21 है और प्लस का 7 है, 21 और प्लस 7 करके 2 से भाग कर देंगे। तो 21 7 कितना हो जाएगा, 28। 28 को हम 2 से भाग करेंगे कितना बनेगा, 14 बनेगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 14 आएगा, और 14 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यदि एस ओ एन को 678, टी ई एन को 948 लिखा जाता है तो एस्टोन का कोड क्या होगा? तो मेरे प्यारे बंधु ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या है, एस है, ओ है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, एन है, इनका कोड कितना है, 6 है, 7 है और 8 लिखा है, और यहाँ पर क्या है, टी है, उसके बाद में ई है, उसके बाद में एन है, इसको उसने लिखा है, 9 लिखा है, 4 लिखा है, उसके बाद यहाँ पर 8 लिखा है। इसमें क्या लॉजिक है मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या लॉजिक है ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या लॉजिक है ध्यान से देखेंगे हम लोग, यहाँ पर जो लॉजिक है उसको पहचानो। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त देख रहे हैं, यहाँ पर एस का स्थान तो 19 होता है, यहाँ पर 6 लिखा है, इसका मतलब एस को उसने क्या लिखा है, एस को 6 लिखा है, ओ को 7 लिखा है, एन को 8 लिखा है, टी को 9 लिखा है, ई को 4 लिखा है, एन को 8 लिखा है। इसका मतलब एक कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, ये जो हमारा प्रश्न है एक कॉमन कोडिंग का प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। कैसे, देखो कॉमन कोडिंग का प्रश्न इसलिए है क्योंकि यहाँ भी एन का कोड 8 है, यहाँ भी एन का कोड 8 है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों से क्या पूछा गया है, एस टी ओ एन ई, इनका कोड पूछा गया है, बस कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। यहाँ पर करना क्या, केवल एस का कोड यहाँ पर क्या किया, एस का कोड 6 लिखा है, तो एस का कोड यहाँ पर 6 लिख देना, बस। टी का कोड क्या है,
टी का कोड यहाँ पर देखो 9 लिखा है तो 9 लिख देना, बात खत्म। ओ का कोड क्या है, ओ का कोड है 7 तो 7 लिख देना। एन का कोड क्या है, 8 तो 8 लिख देना। ई का कोड क्या है, 4 तो 4 लिख देना। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 6 9 7 8 4। कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। कितना आसान और मज़ेदार क्वेश्चन है, बस आप लोग समझने का अगर थोड़ा भी प्रयास किए होंगे ना, जरूर समझ लिए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, घोड़ा है, बंदर है और बाघ है, ये तीनों के बीच में जो सही बेनारेख बनेगा वही बताना है। तो देखेंगे ध्यान से, घोड़ा जो है अलग जानवर है, बंदर अलग है, बाघ अंदर है, ये तीनों में कोनो रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन दो हो जाएगा सही। ये हो जाएगा हर्ष, एच से हर्ष, ये हो जाएगा एम से मंकी, ये हो जाएगा बाघ, टी से टाइगर मतलब बाघ, एच से हर्ष मतलब घोड़ा, एम से मंकी मतलब बंदर। तो इसका जो आरेख बनेगा ऑप्शन नंबर दो, जानते हैं क्यों, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तीनों अलग अलग प्राणी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त आकृति में कितने वर्ग है यही बताना है। मेरे प्यारे बंधु ध्यान से सुनेंगे, यह जो आकृति दी गई है, इस आकृति में टोटल कितना वर्ग है, हम कैसे काउंट करेंगे, कुछ नहीं। सबसे पहले इसको हम नंबरिंग करते हैं रो का, 1 2 3, इसका कॉलम का नंबरिंग हो गया, अब रो का करेंगे 1 2। इसमें क्या करना, सबसे पहले रो का नंबरिंग करना, बस उसके बाद में कॉलम का नंबरिंग करना, 1 2 3 4, एक है उसके बाद में 2 है, मार्कर जवाब दे रहा है, 1 2 उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 4 है। इसका नंबरिंग करना, सबसे पहले रो कर देना, रो कॉलम कुछ किसी को भी पहले कर सकते हो, रो का नंबरिंग उसके बाद कॉलम का नंबरिंग। अब देखो यहाँ पर रो में सबसे 12 नंबर 4 आया है, कॉलम में सबसे 12 नंबर 3 आया है, तो यहाँ पर करना क्या होता है, जो यहाँ पर 4 आया है तो 4, और यहाँ पर 3 आया है, रो में 4 कॉलम में 3, तो 4 × 3 लिखेंगे प्लस। अब इस 4 में से 1 कम करेंगे, इस 3 में से 1 कम करेंगे और उसको भी गुना करेंगे, 4 में से 1 कम करेंगे 3 होगा, 3 में से 1 कम करेंगे 2 होगा प्लस। अब देखो, अब इस 3 में से 1 कम करेंगे, इस 2 में से 1 कम करेंगे और गुना करेंगे, 3 में से 1 कम करेंगे 2 होगा, 2 में से 1 कम करेंगे 1 होगा। बस जहां 1 आ गया उसमें से 1 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 आ गया वहीं पे रुक जाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 4 × 3 = 12 प्लस, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2। अब इनको हम जोड़ देंगे, 12 × 6 = 18 18 + 2 = 20। तो इस आकृति में टोटल 20 वर्ग है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस आकृति में कितना वर्ग है मेरे प्यारे साथियों, 20 वर्ग है, यही आंसर हो गया, ठीक है, बढ़िया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। फिर से हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आ गया है, कोनो बात नहीं, हमने आपको बोला है कि जो चीज दर्पण में बायां होता है वह दायां बनता है, और जो दायां होता है वह बायां बनता है, ऊपर नीचे सेम होता है। तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो इस सर्किल है, दर्पण के इस साइड में दाएं है, तो दर्पण के इस साइड में यह दिखेगा कैसे, बाएं ऐसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। यहाँ पर इस सर्किल वाला पार्ट होगा, यहाँ पर एरो वाला पार्ट होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन में है भाई, ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन में नहीं दिया, समझ रहे हैं, ऐसा केवल ऑप्शन 4 में ही दिया गया, बाकी में नहीं है, ठीक है। तो आप लोग प्रश्न को रटिए नहीं, समझने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन तो ऐसे होना चाहिए, ये जो लाइन आ रहा है ऐसे लाइन होना चाहिए, इसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक लाइन ऐसे, देखो यहाँ ध्यान से, एक लाइन ऐसे होना चाहिए, उसके बाद एक सर्किल सॉरी एक जो आयत बना रहा है ऐसे बनना चाहिए,
हम बना रहे हैं। देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर देखो एक बक्सा बनाओ। सबसे पहले ये बक्सा बनेगा ऐसे, उसके बाद ये सर्किल आएगा ऐसे। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक सर्किल तो ऐसा जब आ गया तो यहाँ से एक लाइन आएगा ऐसे और ई आ जाएगा ऐसे। नहीं अच्छा नहीं बना, छोटा सा खींच कर यहाँ देखो, यहाँ छोटा सा खींचो और तिरछे कर दो, ऐसा बनेगा ठीक है। और एक लाइन यहाँ से चला जाएगा ई कोना पे, एक आएगा यहाँ से ऐसे, तो ऐसा बनेगा मेरे प्यारे साथियों। अब देखो तुम कि ऐसा आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऐसा आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर दो में दिया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। जी एम पी वी जेड और डी एक परिवार के 6 सदस्य है, बहुत बढ़िया। जे भी का पुत्र है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या मेरे प्यारे दोस्तों, कि जहां भी पुरुष जेंडर होगा उसको हम त्रिभुज में बंद करेंगे, महिला जेंडर होगा उसको हम सर्किल में बंद करेंगे। जो शादीशुदा होंगे, जैसे एक पुरुष होगा ये महिला होगी, इस शादीशुदा होंगे तो इन दोनों के बीच में एक प्लस सिंबल का हम लोग यूज करेंगे। अब तुम इस क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन कह रहा है भी पी का, देखो यहाँ पर जेड भी का पुत्र है। क्वेश्चन क्या है, जेड भी का पुत्र है, जो जेड है ये भी का पुत्र है, भी का पुत्र है तो भी से नीचे आएगा, आप पुत्र है तो इसको हम त्रिभुज में बंद कर सकते हैं आराम से, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहता है एम, एम भी का भाई है, जो एम है, जो एम है वो भी का भाई है, भाई है इसका मतलब पुरुष है, इसीलिए इसको भी त्रिभुज में हम बंद कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है डी और भी विवाहित युगल है। देखो डी और भी, जो डी है अभी है ये शादीशुदा है, तो इन दोनों के बीच में एक प्लस सिंबल हम लोग यूज करेंगे, लेकिन ये मालूम नहीं है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे क्वेश्चन है पी डी की पुत्री है, जो पी है वो डी की पुत्री है, तो पी से नीचे आएगा, आप पुत्री है इसीलिए इसको हम सर्किल में बंद कर देंगे, पी डी की पुत्री है तो डी से नीचे आएगा। आगे क्वेश्चन कहता है डी जी की बहन है, ओहो जो डी है वो जी की बहन है, जी की बहन है डी, डी बहन है तो इसका मतलब भी क्या होंगे, पुरुष होंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो भी क्या होंगे, पुरुष होंगे, डी क्या हो, जब बहन हो गई जी की, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जी का पी से क्या संबंध है, सॉरी जेड का, जेड का पी से क्या संबंध है, जेड का पी से क्या संबंध है। देखो जो जेड है यहाँ पर, जो जेड है वो पी का कौन है भाई, तो देखो भी का बेटा क्या है जेड, डी का बेटा क्या है, बेटी क्या है पी, और डी और भी पति पत्नी है, तो ये दोनों बेटा होंगे, बेटा बेटी होंगे, तो जो जेड है वो पी का कौन है, तो जेड जो है पी का भाई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज की परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, बहुत बढ़िया। 6 लोग हैं जो एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पहला व्यक्ति इसके सामने बैठेगा, दूसरा व्यक्ति एक बनेगा, ये तीसरा व्यक्ति इसके सामने एक व्यक्ति बैठेगा, बहुत बढ़िया। ई बनेगा चौथा, यह बनेगा पांचवा, छठा सॉरी। अब देखो जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को बनाते चलो, अकेंद्र की तरफ सारा व्यक्ति ताक रहा है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है बी ई के दाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो बी है वो ई के दाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा एक बात आप ध्यान से सुनेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में पहले व्यक्ति को हम अपने मन से कहीं भी बैठा सकते हैं ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है बी ई के दाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मान लेते हैं हम अपने मन से ई को यहाँ पर बैठाते हैं, बहुत बढ़िया। इसका दाया होगा ई साइड में क्योंकि अंदर ताक रहा है, तो बी ई के दाई ओर दूसरे स्थान पर है, जो बी है ई के दाई ओर एक दो, दूसरे स्थान पर बी बैठा है तो बी आ जाएगा यहाँ पर, बहुत बढ़िया।
आगे क्वेश्चन कहता है सी ई के बाई और ठीक बगल में बैठा है, जो सी है ई के बाई और ठीक बगल में बैठा है, सी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है तो सी आ जाएगा यहाँ पर, बहुत बढ़िया। इस स्थान पर कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है एफ डी के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ डी के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, डी के बैठने के हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है, डी यहाँ भी बैठ सकता है, डी यहाँ भी बैठ सकता है, डी यहाँ भी बैठ सकता है। अब देखो डी को हम कहाँ पे बैठा है, जिसके दाई और दूसरे स्थान पर एफ आना चाहिए। अगर हम डी को यहाँ बैठाते हैं तो इसका दाया होगा ई साइड में, तो इसका दाएं बगल एक दो, दाएं बगल दूसरे स्थान पर सी बैठा है तो डी यहाँ नहीं बैठ सकता, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर हम डी को यहाँ बैठाते हैं तो एक दो दूसरे स्थान पर ई बैठ चुका है, इसका मतलब डी यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो फिक्स हो गया कि डी बैठेगा यहाँ पर। डी यहाँ पर बैठेगा तो इसका दाया होगा ई साइड में, एक दो दूसरे स्थान पर एफ आ जाएगा तो एफ बैठ जाएगा यहाँ पर, बहुत बढ़िया। बच्चा क्या ए, बच्चा ए बैठ जाएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ए के दाई और तीसरे स्थान पर, ए के दाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो देखो ए के दाई और तीसरे स्थान पर एक दो तीन, ए के दाई और तीसरे स्थान पर मेरे प्यारे साथियों डी बैठा है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और प्रश्न 15 तक ही था, ये लास्ट ही प्रश्न था मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।